जय हिंद दोस्तों, दिस साइड संदीप सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और ये हमारी जर्नी का सेकंड पार्ट है दिल्ली से ऊना HRTC वोल्वो बस का। और फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि हम दिल्ली से पानीपत तक आ गए थे, और जो आज सेकंड पार्ट है आपको देखने को मिलेगा पानीपत से ऊना तक का सफर। और जिस भी भाई ने अब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसके बारे में आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमारी बस 11:40 पे ISBT कश्मीरी गेट से निकली थी, और जैसे ही हमने मुरथल क्रॉस किया था तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक HRTC की वोल्वो बस जो दिल्ली से धर्मशाला चलती है वो खराब हो गई थी, तो उसकी सवारियाँ भी फिर हमारी बस ने ही ली। चलो भाई यहाँ से करते अपने सेकंड पार्ट की शुरुआत। और जो भी न्यू मेंबर जुड़े अपनी YouTube फैमिली में तो उनको बता देता हूँ कि जो भी मेरे व्लॉग होते हैं वो बिल्कुल रो होते हैं, ना कोई प्लेग्राउंड म्यूजिक, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो। और इससे क्या होता है कि आपको ऐसे लगेगा कि आप खुद सफ़र कर रहे थे। और दूसरी बात, मेरे चैनल पे कोई भी गाली गलौज, कोई भी गंदगी नहीं दिखाई जाती। इवन आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ भी मेरा YouTube चैनल देख सकते हैं। तो भाई मैं आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अपने भाई के चैनल को सपोर्ट भी करो। और जो मेरा मेन मोटिव है वो है भाई, जो भी गवर्नमेंट बसेज है अपने इंडिया की उनको प्रमोट करना। और आपने बहुत ऐसा कम ही देखा होगा, कोई एक दो ही वीडियो ऐसी होगी वो भी पहले पहले की, कि मैंने किसी प्राइवेट ऑपरेटर की बस में सफर किया है। और गवर्नमेंट बस में मैं सफर करना ज्यादा पसंद करता हूँ, और उसका एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में देखने को मिला कि अगर कोई गवर्नमेंट बस की कोई बस खराब भी हो जाए तो उसके पीछे बैकअप रहता है। अगर आप प्राइवेट ऑपरेटर में ऐसा देखोगे तो बहुत कम ऐसा होता है कि उनके पास कोई बैकअप है। कोई बड़ा ही ऑपरेटर हो तो कह नहीं सकता, वरना छोटे ऑपरेटर आपको वहीं पे छोड़ देते हैं, या उनके साथ आप खड़े रहो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। तो ये फायदा है गवर्नमेंट बसेज। और एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात जो मैं काफी समय से बोलना भी चाह रहा था लेकिन भूल जाता हूँ हर व्लॉग में बताना, कि भाई काफी सारे भाई भी सजेस्ट करते रहते हैं कि भाई इस रूट के ऊपर व्लॉग बनाओ। तो भाई मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी हरियाणा रोडवेज, HRTC, पंजाब रोडवेज, राजस्थान रोडवेज और उत्तराखंड रोडवेज पे काफी सारे जो रूट है वो कवर किए हुए हैं। तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं हरियाणा रोडवेज की, इंडियन रेलवे जर्नी की, और जो भी रोडवेज बसी जर्नी है उनकी, तो आप में वो सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। चलो भाई यहाँ से अपनी आज की जर्नी करते हैं स्टार्ट। और ये जस्ट अभी हम पानीपत टोल पे पहुंच गए हैं, और इससे आगे का सफर अभी आपको दिखाते हैं। अभी हम भाई करनाल में एंटर हो गए हैं, जो कि बिल्कुल दिल्ली और चंडीगढ़ के बिल्कुल मिड में पड़ता है। और ये अभी हम आ गए भी मेरठ चौक वाले फ्लाई ओवर पे। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो आप चले जाओगे भाई करनाल सिटी की तरफ, और यहाँ से आप राइट जाओगे तो आप चले जाओगे भाई शामली और मेरठ की तरफ।
वैसे भाइयों अभी आप जैसे देख ही पा रहे हो, और इससे पहले भी मैं हर वीडियो में ये बात जरूर उठा चुका हूँ कि आप देख रहे हो कि तीन की तीन लेन ये कवर कर रखी थी ट्रक वालों ने। देखो यार दो लाइन का भी समझ में आता है कि भाई ट्रक वालों को ओवरटेक करना पड़ता है। अब ये लगा लो ये फास्ट लेन में ट्रक वाला क्या कर रहा है, तो भाई इनकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं। आप शायद पता नहीं होगा क्योंकि इनकी वजह से लोगों को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना पड़ता है, जो कि ड्राइवर के लिए ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है लेफ्ट में देखना। तो भाई ये बहुत खतरनाक है, और आप प्लीज इनको इस चीज के लिए नहीं बोल सकते, माफ कर सकते कि यार ये गरीब आदमी है या अनपढ़ है तो इसलिए ट्रक ड्राइव कर रहा है, कोई ना इनको माफ कर दो। यार ये कितने लोगों की जान जाती है इनकी वजह से, आप वो सोच भी नहीं सकते इंडिया में। और भाइयों कोई मुझे ये मत जज करने लग जाना कि भाई मैं तो कोई बड़ा ही अंबानी का बेटा हूं, क्या बोल रहा हूं। भाई मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि गाड़ी वाड़ी से भी इनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, और जब कोई बात होगी तो भीड़ का सिर्फ एक ही कारण होता है, यार ये तो गरीब है, यार ये तो अनपढ़ है। यार ये कॉमन सेंस की बात होती है कि आपको कहां पे चलना है, कैसे चलना है। तो भाई अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो मत करो, एटलीस्ट ये बहाने तो मत मारो कि यार गरीब है, हमसे गलती हो गई। भाई इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, आप समझो इस चीज को। अब देखो भाई कार वाले को लेफ्ट साइड से करने पड़ा, और कब से हम इन ट्रकों के पीछे पीछे ही चल रहे हैं, तो भी यार कोई हम कहां से ओवरटेक करे, अब ये बताओ आप। लो भाई और ये हमारे आगे आगे चलिए JKSRTC की बस, जो कि दिल्ली से जम्मू जाती है। और भाई किसी दिन आपको जम्मू कश्मीर रोडवेज की बस में सफर करवाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने खुद नहीं किया कभी लाइफ में, कभी जम्मू जाना हुआ तो जरूर करेंगे इस बस में भी सफर। लो भाई सुबह के हो गए 3:15, और साथ वाले जो भी अपने पैसेंजर है उन्होंने खराटे मारने स्टार्ट कर दिए है। तो इन्हें देखकर एक बार तो लगता है कि यार छोटी सी झपकी मैं भी ले लूं, लेकिन आप सब भाइयों के लिए भी ले भी नहीं सकता कि कुछ मिस हो गया तो फिर वो जर्नी या दूरी रह जाती है, उसका कोई फायदा नहीं रहता फिर।
भाई, और ये जस्ट अभी हमने अंबाला कैंट को क्रॉस किया है और NH1 दिल्ली अमृतसर वाले मेन हाईवे को भी छोड़ने का टाइम आ गया है। अब ये सीधा रास्ता आगे लुधियाना, जलंधर, अमृतसर की तरफ निकल जाएगा और आगे जाकर जलंधर से राइट होकर ये पठानकोट, जम्मू, कटरा और कश्मीर की तरफ निकल जाता है और यहाँ से हम लेफ्ट होकर चंडीगढ़, शिमला, मनाली वाली रोड की तरफ चले जाएंगे। भाई, और ये अभी हम चढ़ गए अंबाला जीरकपुर चंडीगढ़ वाले मेन हाईवे पे, और अंबाला से जो चंडीगढ़ का डिस्टेंस है वो है भाई 50 या 55 किलोमीटर के आसपास, जिसमें हमारी बस को लगेगा रात को 1 घंटे के आसपास। और भाई वो जस्ट अभी मैं गूगल पे ही चेक कर रहा था, इस नेशनल हाईवे का नंबर देख के आप लोगों को तो सरप्राइज होगा ही होगा, मुझे भी बहुत हुआ। इस हाईवे को NH 152 बोलते हैं और काफी सारे भाइयों को लगता था कि जो NH 152 है वो भाई अंबाला से हिसार तक है, नहीं भाई ये जीरकपुर तक है NH 152। उसके आगे फिर आपको पता है कि 152 ABCD वो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ये अंबाला और जीरकपुर चंडीगढ़ वाला मेन हाईवे है ये भी NH 152 ही है मेरे भाइयों। और ये भी हम क्रॉस कर रहे हैं भाई बलदेव नगर वाले फ्लाईओवर को। और ये भी हम क्रॉस कर रहे हैं भाई डेरा बसी, और फ्लाईओवर के नीचे से जो राइट रास्ता है वो निकल जाता है भाई आपका बरवाला और रायपुर रानी की तरफ।
लो भाई, और हमारी बस जीरकपुर रोड चंडीगढ़ नहीं जा रही है, जस्ट जीरकपुर से पहले हम मुड़ गए भाई एरो सिटी रोड पर, क्योंकि हमारी बस में कोई भी सवारी नहीं थी जीरकपुर रोड चंडीगढ़ की, इसलिए हमारी बस चंडीगढ़ और जीरकपुर को बाईपास करते हुए मोहाली से सीधा निकल जाएगी और मेन हाईवे को खरड़ और चंडीगढ़ वाले हाईवे पर चढ़ जाएगी। चलो भाइयों, आपको थोड़ा सा मैं मैप के जरिए बताता हूँ कि हमने कौन सा रूट पकड़ा है अभी। ये आप देख पा रहे हैं कि जस्ट जीरकपुर से पहले हम यहाँ से ये लेफ्ट वाला रोड पकड़ लिया, जो कि है आपका एरो सिटी रोड, जो कि आपका सीधा आगे मोहाली की तरफ निकल जाता है। और आप ये साइड में देख पा रहे हैं कि चंडीगढ़ राइट में रह गया और मोहाली भी, और ये सीधा हमें बाईपास ले जाते हुए जो खरड़ चंडीगढ़ और मेन हाईवे है दिल्ली मनाली वाला, उसके ऊपर छोड़ देता है। लो भाई, और ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं NS7, और आप यहाँ से राइट जाओगे तो आप चले जाओगे भाई जीरकपुर, पंचकुला, सोलन और शिमला की तरफ, और लेफ्ट जाओगे तो आप चले जाओगे राजपुरा और पटियाला की तरफ, और ये सीधा रास्ता अभी हमें मोहाली और चंडीगढ़ की तरफ ले जाई जा रहा है, और हम जीरकपुर होके भी चंडीगढ़ जा सकते हैं। और भाइयों, ये जस्ट अभी हम मोहाली को क्रॉस कर रहे हैं, और जिस रूट से अभी हम जा रहे हैं भाई, मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम रूट पे आया हूँ, और भाई ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम कहीं पे भाई फॉरेन कंट्री में आ गए भाई। बहुत बढ़िया ये वाला जो रोड है, और उसके आसपास में इतने सारे शोरूम है और इतनी बड़ी मार्केट है पूरी रोड के साइड में भाई, बहुत अच्छा लगा, और बड़े बड़े फ्लैट और टावर। तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप इस रूट पे जाओगे तो एक बार जरूर जाना, आपको बहुत मजा आएगा। और अगली बार मैं फ्रेंड के साथ अगर गाड़ी में आऊँगा तो पक्का इस रूट के ऊपर जरूर जाएंगे फ्रेंड के साथ। तो बहुत अच्छा लगा भाई यार, मोहाली का ये पार्ट मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। भाई, और ये अभी हम चढ़ गए चंडीगढ़ मनाली वाले मेन हाईवे पे, रूपनगर तक हम भी इसी हाईवे पे सफर करेंगे, फिर ये रास्ता आगे जाके अपना निकल जाता है आपका मंडी
कुल्लू और मनाली की तरफ, और हम निकल जाएंगे धर्मशाला वाले रास्ते की तरफ, और वहाँ से एक रास्ता लेफ्ट की तरफ निकल जाएगा जलंधर की तरफ, और थोड़ी आगे जाके एक रास्ता निकल जाता है भाई इसका लुधियाना की तरफ। तो इस रूट से काफ़ी अपने जो रास्ते वो डिवाइड होते हैं, हर सिटी को अलग अलग चले जाते हैं। वैसे भाइयों एक फनी सी बात बताऊं, आज का दिन वोल्वो बस के लिए बहुत खराब था। पहले तो हमने देखा ही था कि जो हमारी HRTC की दिल्ली धर्मशाला वाली वोल्वो बस है वो खराब हुई खड़ी थी, और अब जैसे ही हम खरड़ पहुंचने वाले हैं तो एक बस अभी आपने देखी वोल्वो बस प्राइवेट ऑपरेटर की, ये भी यहाँ पे खराब हुई खड़ी है। तो भाई कभी कभी होता है कि कई कई बस दिख जाती है आपको, वो भी सेम कंपनी की वोल्वो बस की। वैसे वोल्वो बस बहुत रेपुटेटेड कंपनी है, लेकिन वही वह मशीन चलेगी तो खराब भी होएगी। लो भाइयों, और जस्ट अभी हमने खरड़ को क्रॉस किया है, और जैसे हम खरड़ को क्रॉस करते हैं ये लेफ्ट वाला रास्ता आपका आगे मुरिंडा और लुधियाना की तरफ निकल जाता है। और जो भाई चंडीगढ़ से लुधियाना का डिस्टेंस है वो लगभग भाई 100 किलोमीटर के आसपास है, और भाई मैंने पंजाब रोडवेज बस में इसके ऊपर भी व्लॉग बनाया हुआ है लुधियाना से चंडीगढ़ तक का, तो आप वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भाई कुराली के बाईपास को, और फ्लाईओवर के नीचे से आप लेफ्ट जाओगे तो ये चला जाएगा भाई आपका सरहिंद और मुरिंडा की तरफ, और राइट साइड चले जाओगे तो ये कुराली सिटी के अंदर से होता हुआ आगे सीधा निकल जाएगा भाई आपका चंडीगढ़ और बद्दी की तरफ।
दुबई, और ये अभी हम पहुंच गए रूपनगर, और फ्लाईओवर के नीचे से जो लेफ्ट वाला रास्ता है ये आपका निकल गया भाई आगे फगवाड़ा और जलंधर की तरफ, जो मेन आपको दिल्ली और अमृतसर वाले मेन हाईवे के ऊपर छोड़ देता है। और ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भाई नेहन को, भाई वैसे मुझे ये प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, बाकी वैसे आप समझ जाना। और जो यहाँ से ये राइट वाला रास्ता है ये आपका निकल गया भाई आगे नालागढ़ की तरफ। और ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भाई भरतगढ़ को। वैसे एक बात तो है भाई, और रात को सफर करने का ये तो मजा है, एक तो ट्रैफिक भी कम मिलता है मेन हाईवे पे, और ना कोई लोग वगैरह ज्यादा होते हैं, और अब तो हाईवे भी इतने बढ़िया बना दिया, बस थोड़े बहुत छोटा मोटा कहीं पे पैच है जो खराब होता है, वरना बिल्कुल सुपर हाईवे बना दिया ये वाला भाई। और किरतपुर साहिब तक तो बहुत बढ़िया, आगे तो ये सिंगल लेन हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ किरतपुर तक ये 4 लेन है।
हेलो भाई। और ये अभी हम पहुंच गए श्री कीरतपुर साहिब, और ऊपर से जो आप हाईवे देख पा रहे हैं जो राइट की तरफ चला गया, ये चला गया भी आपका आगे मंडी, बिलासपुर, कुल्लू और मनाली की तरफ। और जो ये सीधा हाईवे है जिसपे अभी हम जाएंगे, और ये सीधा रास्ता आगे निकल जाएगा श्री आनंदपुर साहिब, नंगल, ऊना, कांगड़ा, धर्मशाला की तरफ। और ये अभी हम पहुंच गए श्री आनंदपुर साहिब, और अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे श्री कीरतपुर साहिब से। तो भाई अगर आप इन दोनों जगह की हिस्ट्री देखोगे तो ये भाई जो अपने सिख रिलीजन है उनके सबसे मेन धार्मिक स्थलों में से एक है, और बहुत ही अपना रिलीजियस प्लेसेस में से एक है ये इंडिया के। और ये अभी हम पहुंच रहे हैं नंगल डैम सिटी। आपने पाखड़ा नंगल डैम तो सुना ही होगा, जो नंगल डैम है वो इस सिटी के पास ही से ही जाता है, तो आपको आते हुए वो भी दिखाएंगे।
और जो बाखड़ा बांध है वो थोड़ी सी दूर रह जाता है वहाँ पे, जो कि श्री गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। देख लो, तू तो नहीं देख रहा, बस ट्राई कर रहा हूँ।
तो भाई और हमारी बस ने हमें उतार दिया है और ये हमारे बस के स्टाफ थे सर, बहुत बढ़िया लगा आपके साथ सफर करके, मिलेंगे जी बहुत जल्दी और फिर से करेंगे। वैसे सर ड्राइवर है इनके साथ सफर करेगा किसी दिन, आज तो कंडक्टर थे, किसी दिन ड्राइवर उसमें करेगा। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, ठीक है जी, ओके जी। ये थी हमारी बस और ये सामने ही है भाई ऊना का बस स्टैंड बोरा। चलो आपको ऊना का बस स्टैंड भी दिखाते हैं। भारी उतार दिया लो भाई और सुबह के हो गए 6:50 और ये हमारी बस ने उतार दिया है मैं ऊना बस स्टैंड के बाहर। और आज की हमारी जर्नी होती है भाई दिल्ली से ऊना वाली ख़त्म। आई होप आपको ये पूरी जर्नी अच्छी लगी होगी और प्लीज़ यार आपको अगर जर्नी अच्छी लगी हो तो भाई को यार चैनल को सपोर्ट करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो और कमेंट भी करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर बढ़ना भी भाई मेरे लिए बहुत है। ठीक है भाइयों, मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। और जो नेक्स्ट जर्नी अपनी वो है भाई ऊना से चंडीगढ़ ट्रेन जर्नी, क्योंकि आते हुए तो आपको पता है मैं बस से आ गया था तो मैं सोचा कि जाते हुए आपको चलो जो ट्रेन का सफर भी दिखाया जाए ऊना से चंडीगढ़ तक का। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर। और कल आपको दिखाते हैं अपना जो यहाँ का रेलवे स्टेशन भी और पूरा का पूरा बस स्टैंड भी।